नमस्कार। चुनावी बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में जुट गई हैं और इस बार चुनाव में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। युवाओं में खासा उत्साह है। शायद यही वजह है कि राजनीतिक दलों की भी युवा वोटरों पर खास नजर है। युवाओं को अपनी तरफ करने के लिए हर दल लुभावने ऑफर भी दे रहा है। उत्तराखंड और यूपी में होने वाले चुनाव की तैयारियां अपने आखिरी चरण में है और इस बार के विधानसभा चुनाव को क्या कुछ युवा देख रहा है, किस नजरिए से देख रहा है, क्या वो चाहता है, यह हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं अपनी खास पेशकश यंगिस्तान की सोच में। आज देखिए बुलंदशहर के डीएवी डिग्री कॉलेज के युवाओं के साथ इंडिया वॉइस रिपोर्टर वरुण शर्मा की यह खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं वरुण शर्मा। खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यंगिस्तान क्या सोचता है, आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की बात कर रहे हैं, जहाँ चार चार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कई मंत्री। युवा क्या सोचता है, सबसे ज्यादा जो युवाओं की वोट है, युवा क्या सोचता है, क्या रोजगार बढ़ा है, पढ़ाई का जो संसाधन है वो बढ़ा है। यहाँ डीएवी डिग्री कॉलेज में आज हमें यहाँ युवाओं से बात करना चाहते हैं, क्या रोजगार बढ़ा है, पढ़ाई के लिए जो है कुछ बढ़ा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब रोजगार एक्चुअली मोदी जी की सरकार आई है तो रोजगार उनके में मतलब बढ़ाव हुआ है, क्योंकि मोदी जी की सरकार से मतलब बहुत अच्छा कुछ हुआ है। मोदी जी ने बहुत अच्छा कुछ किया है। लड़कियों को शिक्षा मिली है और जागरूकता आई है, मतलब सभी लोग जागरूक हुए हैं। बिल्कुल, सब लोग जागरूक हुए हैं मोदी जी के आने के बाद, कुछ हुआ है। क्या समझती हैं पिछले 5 सालों में यहाँ पर कुछ शिक्षा के लिए कुछ बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है? ये सर हुआ है, और क्योंकि यहाँ पे हम भी चाहते हैं कि दिल्ली में मोदी हैं तो यहाँ पे भी वो ही आना चाहें, तो सब लोगों की यही है कि बीजेपी यहीं पे आए। अच्छा, बिल्कुल यही राय है कि दिल्ली पे मोदी हैं, यहाँ भी मोदी आने चाहिए। आप युवा हैं, आप क्या समझते हैं पिछले 5 साल में यहाँ कुछ हुआ है युवाओं के लिए? कुछ भी नहीं हुआ है युवाओं के लिए, इस बार हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी आए तो। क्या सोचते हैं आप युवा सबसे ज्यादा? युवा के लिए तो ऐसी चीज आवा जो वो युवा तरक्की करे, ठीक है। अब यहाँ तरक्की को कोई नजरिया ना है, ना बालकन को कुछ खेलने को ना कूदने को, कहा होएगा यू? कौन सी सरकार कहा कर रही है? अखिलेश जी वहाँ बैठे हैं, मोदी जी वहाँ बैठे हैं, नोटबंदी कर दिए, कभी कुछ कर दिए, खुले पैसा ना बोलो खुले लाओ, बैंक में जाओ बोलो खुले ना जी, 2000 को नोट दे दें, स्कॉलरशिप आई ना कई बार लक्की भी, कहा आयु सिस्टम कुछ भी ना है। बिल्कुल, क्या है ये सिस्टम, कुछ भी नहीं है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, जो ये मोदी जी ने सरकार लाई है आगे, इसमें मोदी जी अच्छा करा रहे हैं, जो भी कुछ करा रहे हैं लड़कियों के लिए, वैसे भी शिक्षा दे रहे हैं अच्छी। बुलंदशहर में कुछ विकास हुआ है? बुलंदशहर में जो रोजगार है छात्रों के लिए वो बढ़ा है? नहीं, पहले नहीं बढ़ा था सर, ये अब बढ़ रहा है जब से मोदी जी ने सरकार लाई है अपनी। जब से मोदी जी ने सरकार लाई है जब से कुछ बढ़ा है। आप क्या समझती हैं पिछले 5 साल में कुछ तरक्की हुई है शिक्षा के लिए? आप कहाँ से आती हैं? सर नई मंडी से आती हूं। तो कुछ शिक्षा के लिए यहाँ कुछ बढ़ा है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा। पर रोजगार कुछ हुआ है? अभी नहीं हुआ है कुछ भी। अभी रोजगार भी कुछ खास नहीं हुआ है, शिक्षा भी के लिए कोई संसाधन उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया है। आप क्या समझती हैं? मोदी जी ने जो भी वो अपना वो चलाया है योगदान, इसमें सभी को योगदान देना चाहिए, और इन मतलब ये जो काला धन निकलवाने के लिए मोदी जी ने वो करी है, तो हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार ऐसे ही चलती रहे और तरक्की खूब तरक्की होती रहे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ रोजगार युवाओं के लिए, छात्रों के लिए कोई कॉलेज या कुछ? हाँ बढ़ा है, लेकिन कोई खास नहीं तरक्की हुई है इसमें, कुछ और आगे हो इसकी वो करते हैं हम के, और आगे युवाओं के लिए आगे के लिए थोड़ी विकास करें। बिल्कुल, युवा के मुख्यमंत्री से चाहती हैं युवाओं के लिए कुछ होना चाहिए। आप क्या समझते हैं युवा सबसे ज्यादा हैं उत्तर प्रदेश में और जो वोटिंग है वो युवा करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? हमारा जो मानना है आजकल सबसे ज्यादा भारत में युवा ही हैं, और यदि युवा भारत में सहयोग दें, उनके विकास के लिए सहयोग दें, तो भारत ऐसा बन जाएगा कि अमेरिका भी उसकी टक्कर नहीं दे पाएगा। आपको हमारे स्वामी विवेकानंद ने उन्होंने उसमें कहा था, अमेरिका में सम्मेलन हुआ था, उन्होंने कहा था यदि भारत के सारे युवा मुझको दे दिए जाएं तो मैं 10 मिनट में हिंदुस्तान को अमेरिका से आगे बढ़ा दूंगा। तो मेरा मानना ये है आज युवा बहुत आगे चल रहे हैं, युवाओं को खासकर हमारे जो देश है वो उसमें 19 से लेकर 56% तक युवा हैं। तो मेरा कहने का युवाओं से यही है कि वो अपना सपोर्ट भारत करें, और जैसे अब आप देख रहे हो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं,
वो युवाओं को लेकर ज्यादा प्रोत्साहित हैं, युवाओं को लेकर सब कुछ करवा रहे हैं। और मेरा सारे जितने भी यहाँ पर युवा खड़े हैं, आप खड़े हो, जो भी खड़े हैं, सारे खड़े हैं, मेरा यही है मानना है, मेरा कहना उनसे यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। जैसे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का सपोर्टर हूँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कुछ किया है वो बहुत बढ़िया किया है, हम उनका सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से। बिल्कुल युवाओं को लिए अपनी सरकार ठीक तरीके से समझनी चाहिए। कुछ युवा और हैं, आप यंग हैं, आप क्या समझते हैं पिछले 5 साल में कुछ क्या कुछ रोजगार बढ़ा है युवाओं के लिए, यूनिवर्सिटी या कॉलेज कुछ बढ़े हैं, क्या सोचते हैं? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बुलंदशहर में जैसे हरियाणा में खेलने के ज्यादा वो है, हमारे बुलंदशहर में कोई भी सरकार है उससे कोई मतलब नहीं है, बस जो भी आवे हमें सपोर्ट करे। हमारे बुलंदशहर के जो लड़के उनमें बहुत ही टैलेंट है, खेलने के लिए ज्यादा वो करेंगे तो आगे जाएंगे, उनको अच्छी नौकरी मिल पाएगी। कोई भी सरकार है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस आके हमें सपोर्ट करे। कुछ शिक्षा के लिए, कुछ रोजगार के लिए कुछ हुआ है बुलंदशहर में? शिक्षा के लिए तो पढ़ने में बच्चे ही ऐसे हैं, बच्चे ही ऐसे पढ़ने में है ही ना, खेलने में बच्चे ज्यादा वो करते हैं। रोजगार कुछ हुआ है? रोजगार तो अभी कुछ नहीं हुआ है, अब सरकार आगे पता चले क्या होगा। आप क्या समझते हैं, आप युवा हैं, क्या समझते हैं आप युवा हैं? अच्छी, हम तो बढ़िया समझते हैं, और हमारे लिए तो यही सपोर्ट है कि बुलंदशहर में बच्चों के लिए खेलने के लिए व्यवस्था हो। पल्ली तरफ शिकारपुर बुलंदशहर में टांडा स्टेडियम है, उसमें कोई तरक्की नहीं है, उसमें अच्छी तरह से तरक्की हो। हम शिकारपुर से रहने वाले हैं, वहाँ से आते हैं यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए, मगर प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम की प्रैक्टिस नहीं होती। अगर काश इस क्षेत्र में भी, हमारे शिकारपुर क्षेत्र में भी एक कोई स्टेडियम वगैरह खुले तो बात अच्छी है। कुछ रोजगार बड़ा है पढ़ाई के लिए, जो कोई यूनिवर्सिटी या कुछ उत्तर प्रदेश सरकार कुछ हुआ है? थोड़ा विकास हुआ है, उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही करा है, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। इधर की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है इतना, उधर को बना दिया कि वहाँ पे हॉस्पिटल बना दिया कि वहाँ पे हाईवे निकाल दिया, मगर हमारे ये बुलंदशहर जिले में तो कोई उनका अभी तक कुछ विकास ही नहीं हुआ है इतना। तो इनका साफ कहना है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में विकास हुआ है, इधर कोई विकास नहीं हुआ है। आप क्या समझते हैं, आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं? आप सबसे ज्यादा वोटर हैं, आप लोग ही सरकार को आगे बढ़ाते हैं। जी, ये उत्तर प्रदेश का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला है, इसमें एक बिल्कुल भी विकास नहीं है। सड़क भी, मतलब जितनी भी सड़कें हैं सारी टूटी फूटी हैं, कोई विकास नहीं है। मतलब जो भी विधायक बनता है उसे वो बस अपने घर में रहता है, कोई ना सड़क आके देखता है ना कुछ देखता है, ना पार्क है, ना कोई कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ बलात्कार के वो जो है वो ज्यादा बढ़े हैं, लड़की छेड़ने के जो भी, और एक नेशनल हाईवे NH1 पर जो हुआ उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला अभी तक। मतलब इस बार BJP सरकार आनी चाहिए। बिल्कुल, इस बार BJP सरकार आनी चाहिए। और इनका साफ कहना है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बढ़ी है और कुछ नहीं हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलंदशहर में आज हम आए हुए हैं, डिग्री DAV इंटर डिग्री कॉलेज में हम हैं, युवा कुछ और हमारे साथ है। यंगिस्तान क्या सोचता है, जो छात्रा हैं ये क्या सोचती हैं? आप क्या समझती हैं पिछले 5 साल में अखिलेश की सरकार है, शिक्षा के लिए क्या हुआ है और रोजगार है वो कुछ बढ़ाए? सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अखिलेश यादव की सरकार आई थी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये जो मोदी जी की सरकार आई है उन्होंने अच्छा ही किया है। उन्होंने काले धन पर रोक लगाई है, वो भी सभी कुछ गरीबों के लिए अच्छा किया है और लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए भी अच्छा किया है। युवाओं के लिए कुछ किया है जो रोजगार है और शिक्षा के लिए अच्छा, युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा ही किया है जो भी कुछ किया है। नरेंद्र मोदी ने अच्छा ही किया है। आप क्या समझती हैं, युवा हैं आप? अच्छा, आप बताइए आप क्या समझती हैं? मैं ये समझती हूँ, मतलब मोदी जी की जब से सरकार आई है कि मतलब लड़कियों को शिक्षा भी मिली है और उससे मतलब फायदा भी हुआ है। अब मोदी जी ने एक नया रूल निकाला है कि मतलब जिसके पास ब्लैक मनी है, मतलब ब्लैक मनी का एक तोड़ किया है कि मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है वो मतलब बाहर निकले कैसे भी, मतलब गरीबों को अब हमारे देश में भ्रष्टाचार नहीं होगा। मतलब
मैं ये सोचती हूँ कि मतलब हमारे देश में भ्रष्टाचार नहीं हो, बेरोजगार नहीं रहे सब लोग, मतलब आज मतलब तकनीकी पे रहे, हमारा देश तरक्की करे। तो मोदी जी हमारे लिए सभी कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं कि हम लोग मतलब यही सोच रहे हैं कि वो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। अब हमारे देश में कोई भी गरीब या अमीर नहीं रहेगा ज्यादातर, अब मोदी जी यही मैं यही कहना चाहती हूँ, मतलब भ्रष्टाचार नहीं है। पिछले 5 साल में अखिलेश की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में रही है, कुछ यहाँ विकास हुआ है शिक्षा में या नहीं हुआ? अखिलेश जी की जब से सरकार आई है तो हमारे देश में नहीं तो विकास हुआ है, नहीं लड़कियों को उचित शिक्षा मिली है और नहीं इतनी जागरूकता आई है। जब से अखिलेश की सरकार आई है ना तो कोई जागरूकता मिली है ना कुछ यहाँ कुछ हुआ है। आप सर, हम कहना चाहते हैं कि मतलब पहले इतना हो नहीं था, अब से जब से मोदी जी आए हैं हमारे देश में बहुत कुछ बदल रहा है और तरक्की ज्यादा हो रही है, और मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आगे भी ऐसा हमारे लिए सुरक्षा रखें लड़कियों के लिए। यूपी सरकार ने कुछ किया है अखिलेश की सरकार 5 साल से यहाँ रही है, कुछ विकास या युवाओं के लिए? नहीं नहीं, उन्होंने इतना कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने सब कुछ किया है और अखिलेश सरकार ने यहाँ कुछ नहीं किया है। कुछ और युवा हमारे साथ हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। आप यंग हैं और युवा क्या सोचता है, सबसे ज्यादा भागीदारी युवा की रहती है, तो आप क्या समझते हैं? मैं यही समझता हूँ सर कि युवा चाह रहा है कि आज उसे रोजगार मिले, और रोजगार यहाँ जैसे एकदम भीड़ बड़ी पड़ी है, एक नौकरी के लिए 10-10 लाइन 1-1 लाख बच्चे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो असमंजस की स्थिति में है। सरकार को कहीं ना कहीं कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, कानून व्यवस्था पर भी बहुत बड़ी चोट मारनी चाहिए। जो चोट मार रहे हैं आज के युवा वो दूसरे कामों में लग रहे हैं जबकि उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा, चोरी डकैती आदि ये सभी जो हो रहे हैं आज ये सब रोजगार की कमी की वजह से हो रहे हैं। आज का रोजगार, मैं खुद एक एनसीसी का कैडेट हूं और मैं खुद ये जानता हूं कि एक एनसीसी की भर्ती के लिए कितने बच्चे यहाँ पहुँच रहे हैं और कितनों को नौकरी मिल रही है ये सब जानते हैं। तो हमें तो यही चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ कदम उठाए आगे के लिए, हमारे भविष्य के लिए अच्छी अच्छी IITs खोले, IIMs खोले, कॉलेज में अच्छा प्रबंधन हो। वैसे सरकार ने काम किया है लेकिन शायद उतने बड़े लेवल पर काम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हम बदलाव तो चाह रहे हैं सर। अच्छा, बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। कुछ और छात्र हैं, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? सर हम यही चाहते हैं कि जैसे कि अब कोई भी सरकार आए, वैसे आने तो BJP चाहिए, BJP ज़्यादा अच्छा कर रही है, ब्लैक मनी बाहर निकला है, बहुत नोट पकड़ेंगे, एक नोट बहुत ज़्यादा पकड़ेंगे, जैसे हमको तो कम ही मिल पा रहे हैं, कहीं 10 करोड़ पकड़े जा रहे हैं, कहीं 50 करोड़ पकड़े जा रहे हैं, ये पता नहीं पकड़े कैसे जा रहे हैं, हमें कोई खुद नहीं पता चल रही। बिल्कुल मोदी की सरकार आनी चाहिए और बहुत पैसा पकड़ा जा रहा है, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, हमें प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रेरित हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी, डिजिटल इंडिया दिया और बहुत सारी मेक इन इंडिया हमें, इसके लिए हमें बढ़ावा दिया, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे इसलिए। पिछले 5 साल में अखिलेश की उत्तर प्रदेश में सरकार है, कितना विकास हुआ है रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए, कितना? नहीं सर, विकास हुआ ना ही रोजगार, युवाओं तो आज पहले भी ऐसे थे, अब भी ना तो कोई अपॉर्चुनिटी है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की तरफ से, ना ही कोई प्रधानमंत्री जी की तरफ से विकास उसके लिए रोजगार दिया गया है। रोजगार कम मिला है यहाँ पर, ना मुख्यमंत्री की तरफ से ना उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, क्या कहना चाह रहे थे आप, कहना चाह रहे थे कुछ? जी सर, यही कि हमें बदलाव चाहिए सर, कानून व्यवस्था पर, हमारी आज के रोजगार युवाओं पर, बड़े बूढ़ों पर, महिलाओं पर, महिलाओं के सम्मान पर, अब हमें बदलाव चाहिए। जिस विश्वास के साथ हमने जिस सरकार को चुना था शायद कहीं ना कहीं वो कहीं खरी नहीं उतरी है, तो हम ये चाहते हैं बदलाव। बिल्कुल, जो सरकार इन्होंने चुना था वो खरी नहीं उतरी है और युवा हमारे साथ है, युवाओं की सबसे ज्यादा तादाद है, युवा सरकार को आगे बढ़ाते हैं। आप क्या समझते हैं उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले में क्या विकास हुआ है, रोजगार बढ़ा है, शिक्षा के लिए कुछ? कुछ नहीं बढ़ा बुलंदशहर में, यहाँ पर देखो पेपर होता है उससे पहले आउट हो जाता है, हर चीज में बकवासबाजी हो रही है बुलंदशहर में, यहाँ पे कोई नेता बनता है तो घर ही पड़ा रहता है, निकलता ही नहीं है, लोगों का आसपास नहीं जाता, वो बात करने नहीं जाता उनसे, जब तक उनसे मिलेंगे नहीं बात नहीं करेंगे जो हमारे लोग जो बनाते हैं उन्हें, तो विकास कैसे होगा, उनसे पूछ के तो विकास होगा कि कैसे विकास, क्या कार्य करना चाहिए हमें, क्या नहीं होना चाहिए जिले में। हमारे जिले में कुछ नहीं होता, बस जीत गए तो घर बैठ गए अपने, हमारे सांसद बने भोला सिंह कुछ करते ही नहीं है, जो जाते हैं किसी फंक्शन में चले जाते हैं, फीता काट के आ जाते हैं, कुछ करते हैं वो कुछ नहीं करते। और हमारे एक अनूप शहर में उन्होंने दिया था वहाँ पे सांसद में कि रोड निकलेगी रेल की पटरी अनूप शहर के लिए, अभी तक उसमें कुछ हुआ ही नहीं है, और जिलों में देखो हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, सड़क बननी है, हमारा यहाँ पे शिकारपुर वाला हाईवे था इसका भी 2017 का था कुछ हो ही नहीं रहा, इसमें 2016 का कुछ नहीं हुआ अभी तक, इसमें
ऐसे ही पड़ा है। अगर नेता बनना अच्छा कार्य करें, हमारे नेता जो भी बने, जो पेपर होते हैं घोटाला नहीं, उनमें पेपर आउट हो जाते हैं, जैसे SSC का हुआ था, सब पहले पेपर आउट हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं पड़ता उसमें। पिछले 5 साल में कुछ बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, क्या रोजगार बढ़ा है युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए कुछ बढ़ा है? कुछ नहीं बढ़ा, अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें केस चल रहा है अभी यूपी पुलिस के एग्जाम में, कुछ हुआ ही नहीं उत्तर प्रदेश में, पूरे यूपी में कुछ नहीं हुआ इस चीज में। रेल की क्या व्यवस्था है बुलंदशहर में? रेल आपको मेरठ जाना हो या दिल्ली जाना हो या लखनऊ जाना हो, कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था ऐसी है कि अगर जिस टाइम ट्रेन का टाइम है उससे 3 घंटे बाद तो वो आती है ट्रेन, और ऊपर से अभी मेरठ में बंद हो गया था, मेरठ का यहाँ पे सुबह को जाती थी ट्रेन, बीच में बंद हो गया था और शाम को उधर से आती थी, इतनी परेशानी होती थी लोगों को, बहुत परेशानी वहाँ पे, और 3-3 घंटे बाद लेट आती है ट्रेन यहाँ पे बुलंदशहर में। 3-3 घंटे ट्रेन लेट आती है, युवाओं को कुछ रोजगार बढ़ा है और ट्रेन की व्यवस्था करें बात करें, बाकी और काफी समस्या क्या क्या समस्या? जी हाँ, सबसे बड़ी समस्या है वो है कि आजकल के युवाओं को रोजगार तो बिल्कुल है ही नहीं, और दूसरे नंबर की बात कि सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी हैं, देखोगे आप जाके, और जो हमारे यहाँ के विधायक हैं हाजी अलीम जी, वो तो घर से निकलते ही नहीं है, वो ज़्यादातर अपना समय विदेशों में रहते हैं लड़कियों के साथ, यहाँ तो 1 मिनट के लिए आती नहीं है, इसलिए इस बार हमारे वीरेंद्र सिंह सिरोही हैं भारतीय जनता पार्टी से, वही जीतेंगे, हाजी अलीम को 1 भी वोट नहीं मिलेगी इस बार। बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो ही जीतेंगे, युवाओं की काफी यहाँ परेशानी है, कोई रोजगार बुलंदशहर में नहीं आया है, जो यूनिवर्सिटी है कोई बुलंदशहर में नहीं आई है, जो पुराने कॉलेज हैं वो ही है, 5 साल यहाँ बीतने के बाद अखिलेश सरकार ने युवाओं के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, कोई रोजगार यहाँ नहीं मिला।